सगला किसान भाइयों ने राम राम। किसान पाठशाला चैनल में सारा किसान भाइयों को स्वागत है। जी कि सावणी फसलों को टाइम चलन लाग रहे और सावणी फसलों के बारे में थाने समय समय पर जानकारियां जी देता रहे। बीटी नरमे में गुलाबी सुंडी के बारे में भी आप चर्चा करन लाग रहे हैं। किसान भाइयों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, किसानों ने बहुत नॉलेज है, वह चीज़ा भी आप शेयर करन लाग रहे हैं। आज की जी चर्चा है आप ग्वार के बारे में चर्चा करांगा। सागे सागे किसान भाइयों थे नित नई जानकारियां लेना चाहो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों सागे शेयर करो तो थारा भी जो एक्सपीरियंस है, थारी समस्या है वह बताता रहो। तो आज आप सावणी फसलों में ग्वार के बारे में चर्चा करांगा, क्योंकि आप पूरे भारत की बात करा तो सारों जो ज़्यादा ग्वार है वो राजस्थान में ही हो है। तो इन वास्ते ग्वार है जी राजस्थान की मुख्य फसल है। किसान भाइयों ही फसल के अंदर के सावचेती आपने रखनी है। लगभग 80% इनकी बिजाई हो चुकी है और जो असिंचित क्षेत्र है बामे जी वर्षा आधारित क्षेत्र है बठे बिजाई चलन लग रही है। तो किसा किसा रोग आवे, कीट आवे, अंग बारे में भी आप चर्चा करांगा। तो आज की जी मुख्य टॉपिक है अपनी फसल है बा ग्वार है। आप ग्वार की थोड़ी सी चर्चा करा तो जो मारो किचन गार्डन है बीमें भी मैं जैविक सब्जियां लगा रखी है। जो मैं इतने देखने लग रही ग्वार का पौधा है, लगभग फरवरी एंड के अंदर वरायटी है जी लगाई है, उसका मौसमी वैरायटी है। इनके अंदर काफ़ी में ग्वार की जी है सब्जी भी थोड़ी है, सब्जी वालों ग्वार है। तीन वैरायटियां में अठे लगा रखी है। भी बाद में आप एक वैरायटी और देखांगा। आज की है पूसा नव बहार है। ए जी थे देखो इनके अंदर देखो फलियां कितनी लग रही है। ए सिर्फ सब्जी के अंदर में काम लेवा, वो जो मारो क्षेत्र है वो जैविक क्षेत्र है। इनके अंदर आप जी कोई अभी स्प्रे पेस्टिसाइड की कौन करी है। एक वैरायटी मारकना और है जी वह अपने किसान है जो बताने लग रहे भी अलग अलग टाइम में अपन नरमो बो रखे। आ एक वैरायटी थे देखने लग रहे हो, आ वैरायटी है जी पूसा सदा बार है। इनमें लंबी फलियां वाला जो ग्वार है वो लग गए। इन तरीकों में अठे तीन वैरायटी है जी ग्वार की लगा रखी है और बहुत अच्छो इनके अंदर उत्पादन मिल लग रहे है। ये देखो इनके अंदर फलियां जी की सारी तैयार है। ये देखो किसान भाइयो मैं सब्जी के अंदर ग्वार की है जी वैरायटियां काम में लेवा। इनके अंदर आप अगर कीड़ा मकोड़ा की बात करा तो अजे ती मैं कोई स्प्रे करी को नहीं है। सिर्फ एक इंग स्प्रे करी है आप बेसिलस जो अपने स्यूडोमोनास है बिंगो आप प्रयोग करी है। स्यूडोमोनास है जी आ ग्वार के अंदर जितनी भी बीमारी हुआ है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है बिना भी रोके। तो इन तरीकों जी स्यूडोमोनास है आप वह प्रयोग करा तो अपनी जी आ पत्ती दिखन लग रही है नी, पत्ती के अंदर वो स्यूडोमोनास है बना के लेयर बना लेगा आपकी ई पत्ती के अंदर जाके। पहला तो समझना चाहिए भी स्यूडोमोनास है कि स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो पत्ती की एपिडर्मिस में जाके लेयर बना लेगो और 30-35 दिन तक वो इनके अंदर कोई भी बीमारी को नहीं आने दे। कि तो इन तरीकों जो स्यूडोमोनास है वो अपने जो रोग है मन रोग है मुख्य रूप बैक्टीरिया होने वाला रोग है या कवकों होने वाला रोग है। तो किसान भाइयों थे इनके अंदर ज्यादा जो केमिकल आवे फंगीसाइड है वह ज्यादा इस्तेमाल करो, बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, इनके अंदर अपने ध्यान रखने की जरूरत है तो आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सका। क्योंकि यह एक दाल वाली फसल है, इनकी जड़ों के अंदर भी जगह है बैक्टीरिया जीवाणु नोडुल्स गंठा पाई जावे जो कि हवा की नाइट्रोजन ने जमीन के अंदर फिक्स रखे। यो खरीफ फसल में आप ग्वार की फसल के बारे में चर्चा करा तो ग्वार की आप बात करा तो वैज्ञानिक नाम है साइनोप्सिस टेट्रागोना लोबा, दाल वाली फसल है। तो आ अपने जगह राजस्थान की बात करा तो भारत में सारों ज्यादा आप चर्चा करी हठे ज्यादा हुआ है। तो इंगी आप सारी फसल के बारे में चर्चा करांगा। ग्वार के महत्व के बारे में सारों पहला बात करांगा। ग्वार है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है जिसकी सोयाबीन में ज़्यादा होवे, 42-44% इंग अंदर प्रोटीन होवे, जबकि इंगे ग्वार के अंदर गिरी होवे बिंग अंदर गम होवे जिसको 35% होवे। और ग्वार का बहुत सारा सदुपयोग है पशुओं में खिलाने में भी, इंग अंदर पशुओं को जो दूध उत्पादन बढ़े और इनके सागे सागे इनको प्रयोग है जो बिस्कुट उद्योग में, बेकरी उद्योग में, विस्फोटक में कई जगह ग्वार को प्रयोग हुआ है। अब आप इनके बारे में भूमि की बात करांगा तो जीवांश युक्त जकी बुलई दोमट मृदा है वह इनकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी है जकी उत्पादन अच्छो देने लग रही है। अब जो टाइम चलने लग रही है वो लगभग किसान भाइयों जो सिंचित क्षेत्र है भी मैं 70-80% ग्वार की बीजांत कर ली है। कोई 20-25% किसान है जिये जिये खेत खाली हुए या सिंचाई की सुविधा या बारिश की सुविधा जिये मिलने लग रही है बी साहब भी किसान इनकी जी बुआई कर लग रहे है। आप सीड रेट की बात करा तो बीज की दर है जिका इनमें सिंचित क्षेत्र है बी में किसान है लगभग 3 किलो प्रति बीघा इस्तेमाल करे। विभागीय जकी रिकमेंडेशन है वह 4-5 किलो प्रति बीघा है।
असिंचित क्षेत्र है बठे आप थोड़ी सी सीड रेट ज्यादा रखांगा क्योंकि बठे नमीगी आपने संभावना कम रहे बारिश है जी आगे पीछे भी हो सके। बठे 5 किलो बीज प्रति बीघा आप इस्तेमाल करना है ग्वार को। फर्टिलाइजर की बात करा तो आप फर्टिलाइजर जी विभागीय रिकमेंडेशन है बा इन अंदर जब आप बिजाई करा बी टाइम 62.5 किलोग्राम SSP है और 10 किलोग्राम यूरिया। या किसान भाइयों है दोनों चीज़ा ना आप इस्तेमाल करिए तो बिजाई के अंदर आप 18-20 किलो है जी DAP है वह इस्तेमाल कर सका सिंचित क्षेत्र में। असिंचित क्षेत्र है जैठे बिरानी है बैठे भी किसान भाइयों ध्यान रखना है असिंचित क्षेत्र में उत्पादन अपनों बढ़ सके बहुत ज़्यादा यदि आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करा तो आधी है जी की उर्वरक की मात्रा इस्तेमाल करनी है 20 किलो की जगह आप 10 किलो DAP जरूर देनी है भी अपना उत्पादन है जो अच्छो बढ़ सके। अब आप ग्वार की वरायटियाँ की बात करा तो जी राजस्थान रिकमेंड है ग्वार की वरायटियाँ RGC 197 है RGC 986 बहुत बढ़िया वरायटी है। इन तरीकों RGC 1002 है 1003 है 1004 है और 1016 है 1066 ग्वार है जिकन आप लाठी ग्वार कहें एक नलियो ग्वार है थोड़ा सा सीड रेट ज़्यादा पड़ेगा उत्पादन भी अच्छो अपन मिले। इन तरीकों चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा बठों जी वरायटी निकल रही है HG 75 बहुत अच्छी वरायटी है और HG है जी 365 है जिकन आप ग्वारी कहें फैलन इंगो झाड़ भी बहुत अच्छो है। एक नई वरायटी है जी विश्वविद्यालय 2010 में जारी करी HG 220 आ भी वरायटी बहुत अच्छी है। इंगे सागे सागे कई प्राइवेट कंपनियां को भी किसान है जिका ग्वार है वो बीज इस्तेमाल करे बा थोड़ी सी आप किसानों चर्चा करांगा तो आप बात करी बीज के बारे में वरायटियों के बारे में। अब आप इंगे सागे सागे सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करा जमीन के अंदर यदि आप किसान देना चाहो तो जमीन जी टाइम तैयार करे बी टाइम ही 5 किलो है जो प्रति बीघा 6 एलिमेंट आवे वो जमीन के अंदर इस्तेमाल कर सके। अगर बी टाइम ना याद कर सके किसान तो जब फ्लोरिंग स्टेज हुआ है जब घोर बननी स्टार्ट हुआ ग्वार के अंदर बी टाइम है जो 4-5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब आप जो सूक्ष्म पोषक तत्व को स्प्रे कर सका किसान भाइयों। इंगे सागे सागे ग्वार की खेती में जकी सारनों ज़्यादा सावल चेती रखने की जरूरत है बा किसान भाइयों ने स्प्रे की जरूरत है क्योंकि दाल वाली फसल है अं में किसान है जो फसल चक्कर में भी इन्हें अपनावे क्योंकि इंगे जड़ा में जी नाइट्रोजन 35-40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर फिक्स कर दे पत्तियां भी जमीन के अंदर पड़े तो कार्बनिक पदार्थ बढ़े अगली फसल अपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया होवे। वहीं वास्ते अपन फसल चक्कर में भी किसान है जो अपना लग रहे ग्वार की खेती में ध्यान रखने वाली बात है इनमें कीट और बीमारियां किसी किसी आवे क्योंकि सेंसिटिव क्रॉप है किसान थोड़ी सी अगर तेज स्प्रे कर दे तो इनका रिजल्ट है जो बढ़िया कौन मिले या तो किसान जी बीमारी है बिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया वाली है तो बैक्टीरिया वाली दवाई कौन करे बी टाइम फंगस वाली बीमारी कर दे यदि फंगस है तो आपने फंगीसाइड दवा इस्तेमाल करनी है जीवाणु वाली बीमारी है तो जीवाणु वाली दवाई इस्तेमाल करनी है। जब आपनों ग्वार लगभग 1 महीना हो जाए और इंगी जी की आप ग्वार देखने लाग रहे लंबाई है लगभग 1 फिट हो जाए ग्वार की बी टाइमिंग अंदर BLB बीमारी आ जाए अभी आप ग्वार देखने लाग रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ खड़े है वो लगभग ग्वार है जो 18-20 दिनों का ग्वार है लगभग 1 सप्ताह या 10 दिनों बाद इंगी जिया भी बारिश होगी हाइट है जी 1 फिट हो जाएगी इन अंदर एक बीमारी आवेगी बैक्टीरिया की बीमारी किसान भाइयों इन्हें देखने की जरूरत है जगह ऊपर की पत्तियां इन पर काली काली टिमकियां आ जाएगी बिना आप BLB बीमारी आप बोलांगा जब आप फील्ड में आवेगी तो थाने फिर सूचना दे देंगे बी टाइम आपने दिमाग में ही रखनी है इन रोकथाम वास्ते आप जी जीवाणु न रोकने वाली जी दवाई है वह इस्तेमाल करनी है। ज़्यादातर किसान है जो पुराने टाइम में ब्लू कॉपर इस्तेमाल करता COC बिंगी जी डोज है वह आप लगभग 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब इस्तेमाल करता जो कॉपर आप ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल करा बिंग अंदर क्यूप्रस साइन हो तो बिंग अगर थोड़ी सी डोज ज़्यादा पड़ जाए कॉटन में या ग्वार में तो फाइटो की प्रॉब्लम आ सके। अब एक नयो मोलिकूल चलन लग रहे कॉपर हाइड्रोक्साइड किसान भाइयों इन्हें थोड़ा सा ध्यान आप चर्चा करा कॉपर हाइड्रोक्साइड है जो 70% हो इंगी जी डोज है वह 1.5 ग्राम आप 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करनी है। इंग अंदर के हो 6 एंगुलर हो जिका कण हो और क्यूप्रिकाइन हो एक तो पानी के अंदर सेगमेंट इंगो घोल है जो नीचे कौन बैठे और इंगो रिजल्ट भी जो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है भी दुगुना है 15 दिन तक काम करे तो आप पहली स्प्रे ध्यान रखनी है पहली स्प्रे को जो आप प्रयोग करना जब अपनी ग्वार की फसल की ऊंचाई 1 फिट होगी और 30 दिनों की अपनी ग्वार की फसल होगी तो इंग अंदर पहली स्प्रे आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड करांगा तो आपने अच्छा परिणाम मिलेगा 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में। सागे आप इंग अंदर थायोमेक्टाजाम यदि कोई रस चूसने वाला कीट है तो 50 ग्राम है जी डोज है वह 100 लीटर में आप इस्तेमाल कर सका।
तीन ही स्प्रे की आप चर्चा करांगा। दूसरी जी स्प्रे है अपनों गुआर जद लगभग 30 दिनों बाद में 45-50 दिन हो जाए और जकी अपनी ऊंचाई है गुआर की बा घुटना ताई हो जाए, घुटना ताई जब ऊंचाई हो जाए जब आप अंदर दूसरी स्प्रे करनी है। दूसरी स्प्रे की आप बात करांगे तो बी टाइम ही आप अंदर इंग अंदर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक जकी आवे दवाई बिंगो आप इस्तेमाल करना है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है जो एक बैक्टीरिया है गुआर के लिए बहुत अच्छो है, कई तरह की ब्लाइट नहीं रोकेगो, सागे सागे बैक्टीरिया वाली बीमारी है बन नहीं रोकेगो। यह जगह आप पत्ता देखने लग रहे हैं गुआर का इंग अंदर एपिडर्मस एक लेयर हो है जकी बारली इंग अंदर वो बैक्टीरिया आपकी जकी है जगह बना लेगो और लगभग 1-1.5 महीने ताई कोई भी फंगस कोई भी बैक्टीरिया की को नहीं आने दे और फसल ने बहुत ही स्वस्थ रखेगा। तो दूसरी स्प्रे आप इंगी करनी है सागे आप जकी एक तारा दवाई है थायोमेक्टाजाम 100 लीटर पानी में 50 ग्राम मिला सका। अब आपनों गुआर है जो लगभग 65-70 दिनांग हुआ है बी टाइमिंग अंदर अल्टरनेरिया ब्लाइट बीमारी आ जाए तो बी टाइम किसान की ज्यादातर फंगी साइड है कोई बाजारों ले आवे या ना समझ हुआ तो जो को भी आपने दुकानदार या कोई कंपनी वाला बता दे वो ही आप छिड़क लिया तो ये मैं समझने की जरूरत है। अल्टरनेरिया ब्लाइट आवेगी तो थारो जो को तनो है वो सुकन लग जाएगो और गुआर किसान के समझ में को नहीं आवे, गुआर एकदम सूख जाए या किसान के भी काल तो बढ़िया खड़े हो अच्छी फलियां ही एकदम हवासी निकल गई तो अल्टरनेरिया ब्लाइट आवे बी टाइम थाने क्लोर थेलो नील कवच नाम दवाई आवे बा 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 100 लीटर पानी है बिंग अंदर 100 ग्राम मिलाओ अच्छी तरह घोल मिलाओ ड्रम के अंदर अरबी दवाई को। तीसरी स्प्रे की बात करा तीसरी स्प्रे में जब अपना गुआर 65-70 दिन हो जाए बी टाइम अपने रस चूसने वाले कीड़ा के अंदर हरियो तेलो और नरमाऊ जी की व्हाइट फ्लाई बाई उड़ गई ना आ जाए तो व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण वास्ते किसान भाई फ्लोनिकामाइड थे इस्तेमाल कर सको। इंगी जी की डोज है वह अपने 30-35 ग्राम ही 100 लीटर पानी में रखनी है तो व्हाइट फ्लाई बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि व्हाइट फ्लाई एक ईसो कीट है जो इन बॉडी को एनस पार्ट है बठू हनी डू या शहद जैसो पदार्थ जो छोड़े तो गुआर अपनों कालो हो जाए। ये तरीको अपनी तीन स्प्रे को शेड्यूल है जो आप इस्तेमाल करना है। एक बार थाने दोबारा रिपीट कर दें जब आपने 30 दिन की फसल होए तो कॉपर है जो हाइड्रोक्साइड 70% 1.5 ग्राम सागे थायोमेक्टाजाम 50 ग्राम 100 लीटर पानी में जब अपनी गुआर है जो 45-50 दिन हो जाए घुटने ताई ऊंचाई हो जाए बी टाइम थे अंदर है जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जरूर करना है किसान भाइयों। वो है जो एक बैक्टीरिया है वो है जो आप इस्तेमाल करना है 5 ml 1 लीटर पानी में यानी 500 ml 100 लीटर पानी में साय थायोमेक्टाजाम 50 ग्राम जब अपनी फसल है 65-70 दिन के अंदर हो जाए घोर बनना स्टार्ट हो जाए कुछ फलियां भी लग जाए कुछ ऊपर फलियां लागन लग रही है बी टाइम अल्टरनेरिया ब्लाइट आवे तो आपने क्लोर थेलोनिल 1 ग्राम मिलाना है। इंगे सागे सागे यदि किसे खेतों के अंदर जड़गलन ज्यादा आने लग रही है तो बुआई के टाइम ही आपने ट्राइकोडर्मा 50 किलो गोबर की खाद में मिला के छिड़कना है वो आप पहले छिड़कना है। इस वास्ते गुआर में जब भी कोई बीमारी का लक्षण आवे तो आपने प्रिवेंशनल कंट्रोल करना है। जब बीमारी आ जाए जब किसान भाई बाजार का नहीं भाज जाए तो अपना हाथ है जगह खड़े हो जाए बीमारी पूरा खेत ने घेर ले। इस वास्ते अपन थोड़ा सावचेत रहना है ऐ जगह जगह लक्षण बताया किसान भाइयों खेत के अंदर गेड़ो मारो तो अपन अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर किसान भाई ध्यान ना रखे तो किसान के भी उत्पादन है जो 1-1.5 क्विंटल ही हो तो दवाई आप गलत इस्तेमाल करांगा पैकेज और प्रैक्टिस के अनुसार ना चलांगा जिकी सलाह थाने मिलने लग रही बी पर ना चलांगा तो अपन परिणाम है जो अच्छा को नहीं मिले। यदि यह दवाइयां आप इस्तेमाल करांगा तो गुआर को उत्पादन है जो 4 क्विंटल 5 क्विंटल 6 क्विंटल इतने ताई भी हो सके। किसान भाइयों गुआर की खेती के बारे में थोड़ी सी चर्चा खरपतवार के बारे में करनी थी क्योंकि खरपतवार है वो उपज को काफ़ी कम कर देते हैं। गुआर की फसल में यदि हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहते हैं किसान तो बुआई के समय ही जो पेंडामेथालिन दवाई आती है स्टॉम्प एक्स्ट्रा वो आप 1 एकड़ के लिए है जो उनकी पैकिंग आती है 750 ml या पेंडामेथालिन है 500 ml प्रति बीघा उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब हमारी ज़मीन अच्छी तरह तैयार हो जाती है पाटा लग जाता है शाम के समय हमें दवाई का स्प्रे करना है उसके बाद गुआर की बिजाई करनी। यदि वो किसान कोई किसान भाई नहीं कर पाता है तो खड़ी फसल में यदि किसान छोटा है 2-4 बीघे है तो वो कसिए से इस वीड्स को निकाले। वीडिसाइड हमारे खेतों के अंदर बहुत नुकसान करते हैं क्योंकि जब खरपतवार ज़मीन में डीकम्पोज होता है तो वो हमारे सूक्ष्म जीव उनका भोजन बनता है। खड़ी फसल में प्रथम सिंचाई के बाद या नदीन जब 2 से 3 पत्ती का हो उस टाइम यदि किसान करना चाहे तो परसूट दवाई आती है जो है अमीजा थप्पर के नाम से उसकी 10 ml या 10 ग्राम सक्रिय तत्व है वो 100 लीटर पानी में स्प्रे। यदि संकरी और चौड़ी पत्ती दोनों हो रही है किसान के खेत में नदीन है तो ओडीसी दवा आ रही है जो अमीजा थप्पर अमीजा मोक्स है
इसलिए खरपतवार नाशी का बहुत ही ध्यान से अपने को प्रयोग करना है। और संकरी की पत्ती के आ रहे हैं तो एजिल आ रही है प्रोपिक एजफ 5 EC उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 लीटर दवा है वो 6 से 7 बीघे में पड़ती है, तो उसका इस्तेमाल करें तो खरपतवार को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये अपने ग्वार का फील्ड देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, लगभग 25 दिनों की क्रॉप हो गई है। किसान से थोड़ी वार्तालाप करते हैं। ये किसान है, सत श्री अकाल। आपका भव्य स्वागत, आपका भी बहुत बहुत थोड़ा सा किसानों को अपना परिचय बताएं। आप हमारे फील्ड में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरी सबसे पहले 2 साल पहले परिचय बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रणजीत सिंह ब्राड़, गांव गुरुसर के रहने वाले हैं। सबसे पहले गोदारा जी हमारे को प्रशासन गांवों के संग अभियान लगा था हमारी ग्राम पंचायत गुरुसर में, तो वहां पर मैं चाय पानी की सेवा कर रहा था वहां सभी अधिकारियों के लिए। तो गोदारा जी को मैंने जब वहाँ चाय पिलाई तो गोदारा जी ने मेरे को बोला बैठ जाओ सरदार जी, जाओ बात कर। तो मेरे को बोले भी आप कहाँ के रहने वाले हो, मैंने कहा गुरुसर के रहने वाले हैं। उस टाइम से आप लगातार 2 सालों से हमारे से हैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उस समय फिर इनसे मैंने बात भी हुई तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप, इन्होंने अपना परिचय दिया तो बोले कि ऐसे करो आप मेरे से जुड़ो और आप मेरे हिसाब से खेती करो। मैंने कहा ठीक है गुदारा जी। 2 साल से इन्हीं के मार्गदर्शन से मैं खेती कर रहा हूँ। तो उस साल नरमे की बिजाई की हुई थी, जहाँ ये ग्वार है इसी में नरमे की बिजाई की हुई थी। तो ये ग्वार, ये इस जगह पे नरमा कुछ वैरायटी 773 की थी, 776 की भी थी और कुछ वैरायटी 926 की भी थी, 3 वैरायटी थी। और नरमे का झाड़ लगभग 8 क्विंटल के लगभग आया था। इन्हीं के गुदारा जी के मार्गदर्शन से मैंने जो जो इन्होंने बताया वैसे किया। और इस बार दूसरे साल फिर हम, फिर उसके बाद गेहूं के लिए, सरसों के लिए भी इन्होंने मेरे को बताया, जैसे इन्होंने बताया वैसे किया। गेहूं का झाड़ भी 38 मन 1 बीघे के हिसाब से निकला और सरसों भी लगभग 6.5-6.5 क्विंटल। उस मुलाकात के बाद आप लगातार हमारे से, लगातार 2 साल से मैं कॉन्टैक्ट करता रहता हूँ गुदारा जी से हर 10-15 दिन बाद में। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं गुदारा जी। थोड़ा सा ग्वार के बारे में बताइए, जो ग्वार आपने बिजाई कर रखी है ये कौन कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? ग्वार हमारे स्टार 610 भी है और X7 है। अच्छा, ये दो वैरायटी आपने, ये दोनों वैरायटी की बिजाई की हुई है, दोनों ही वैरायटी अच्छी है। पिछली बार कितने एरिया में है आपके ये ग्वार? ये हमारे 20 बीघे में ग्वार है। और कॉटन की बात करें, जैसे बीटी कॉटन आपने कितना लगा? बीटी कॉटन हमारे है 25 बीघे है। तो चैनल के माध्यम से अपने ब्राड साहब आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही है। बिल्कुल अच्छी। और हमारे बाद इन्होंने चैनल, एक चैनल बनाया इन्होंने पीछे लगभग 20-21 दिन पहले बनाया इन्होंने, तो उसमें मैंने, इन्होंने बताया नहीं, मैंने वो देखा इनको ग्रुप में चैनल देखिया तो उसमें बहुत अच्छी वीडियो तभी से डाल रहे हैं, तो मैंने उसी से मैं उस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर भी आगे बहुत किया है। तो बहुत ही अच्छा चैनल है, इसको मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे बहुत ही जानकारी कहीं भी आपने को जाने की जरूरत। चैनल बनाने का ब्राड साहब हमारा उद्देश्य ये था कि हम फोन पर या किसी का फील्ड चेक करके 2-4 ज्यादा से ज्यादा 10 किसानों से मिलते हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा साधन है मास मीडिया का, हजारों किसान इसको देखते हैं, तो इनको खेती बाड़ी खरीफ फसलों के बारे में हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है तो अपनी मुलाकात हुई, समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। और ब्राड साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इससे हमारे को बहुत ज्ञान मिला, ये चैनल से आपने जो 15 दिन से ला रहे हैं इससे बहुत ज्ञान मिला। और आगे और हमारे बहुत प्रगतिशील काश्तकार है, यानी ये फील्ड बहुत बड़ा है, किसानों के पास नॉलेज बहुत है, हमें किताबें पढ़कर इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप जैसे प्रगतिशील काश्तकार है, समय समय पर मिलते रहते हैं, उनसे मुलाकात, नरमे की भी आगे गुदारा जी कहेंगे तो दिखा देते हैं, नरमा दिखाते हैं इन्हीं के मार्गदर्शन से, वो गुदारा जी के मार्गदर्शन से ही हमने नरमे की बिजाई की है। और नरमे की भी 22 अप्रैल की नरमे की बिजाई की हुई है और नरमा भी बहुत बढ़िया है। चलो वो चलो गुदारा जी अपने नरमा दिखाते हैं। तो किसान भाइयों धन्यवाद, राम राम। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे, आपके पास कोई नई जानकारी है तो हमें शेयर करें, उससे आगे लोगों को पहुंचाया जाएगा ताकि हम खेती बाड़ी में अधिक खर्चे से बच सके और हमारी फसल अच्छी हो और किसान का जो स्तर है समाज में वो अच्छा हो। यदि किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे, किसान का परिवार खुशहाल होगा, विश्व में जो भारत का नाम है वो ऊंचा होगा। राम राम।